इतनी बड़ी सीप पर भारी से भारी सामान ला दिए जाते हैं, फिर भी ये सीप नहीं डूबती। वहीं अगर इस सबमरीन को देखा जाए तो जब मन पानी के नीचे ले जा सकते हैं या फिर ऊपर ले जा सकते हैं। तो सवाल आता है कि सबमरीन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पानी के नीचे भी तैर सकती है और ऊपर भी तैर सकती है। वीडियो बड़े ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करो और आखिर तक ध्यान से समझो। दरअसल सबमरीन के अंदर तीन टैंक बनाए जाते हैं, एक रियर ट्रिम टैंक, दूसरा बीच में मेन ब्लास्ट टैंक्स और तीसरा आगे की ओर फॉरवर्ड ट्रिम टैंक। जब इस सबमरीन को नीचे ले जानी होती है तो इस टैंक में यानी जो बीच में टैंक होती है उसमें पानी भर दिया जाता है। उस समय सबमरीन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी और सबमरीन आसानी से पानी के अंदर चली जाएगी, और जो आगे और पीछे की टैंक है वो सबमरीन को बैलेंस करने में काम आते हैं। जैसे कि अगर इस सबमरीन को आगे की ओर जाना होगा तो इसको आगे वाले टैंक में पानी भर दिया जाता है, जिससे इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब अगर सबमरीन को ऊपर लाना होता है पानी की सतह पर, तो इस टैंक में से पानी को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर पंप कर दिया जाता है, जिससे कि सबमरीन हल्की होकर सतह पर आ जाती है। वैसे तो आज के समय में सबमरीन दो टाइप के हैं, एक डीजल से चलने वाली सबमरीन और दूसरा न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब डीजल से इंजन चलेगी तो बहुत ज़्यादा धुआं पॉल्यूशन निकलेगा, तो वो पॉल्यूटेड गैस को छोड़ा कहाँ जाता है? दरअसल इस डीजल का इस्तेमाल सबमरीन को चलाने के लिए नहीं बल्कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीजल वाली सबमरीन को हर 48 घंटे के बाद इसको ऊपर आना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तब इस इंजन को बंद कर दिया जाता है और फिर ये पानी के अंदर चली जाती है। इसी बैटरी से सबमरीन में जो प्रोपेलर लगा होता है उसे चलाया जाता है और पूरे सबमरीन में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी इसी बैटरी से मिलता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर वाले सबमरीन में बैटरी का सिस्टम नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, इसलिए ये सबमरीन 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 4 डीजल सबमरीन के बराबर एक न्यूक्लियर सबमरीन आती है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।